हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी जो मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ वो नवरात्र स्पेशल रेसिपी है। नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों में सभी का उपवास होता है और अलग अलग रेसिपीज़ लोग बनाते हैं। तो उपवास में एक ऐसी रेसिपी आज मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ, साबुदाने वड़े की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू ले लिया है। आलू आपको बॉइल्ड कर लेना है, ज़्यादा उसको बॉईल मत कीजिएगा आलू, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं ना, तो इसलिए आलू सूखे सूखे ही होने चाहिए बॉईल यहाँ पर। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से मैश कर लिया था और उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर साबुदाना लिया है, उसको पानी में मैंने भिगो दिया था। 5 से 6 घंटे आपको साबुदाने को भिगा कर रखना है, वही आपको इसमें यूज़ करना है। फिर मैंने यहाँ पर चॉप्ड धनिया लिया है, चॉप्ड हरी मिर्च मैंने यहाँ पर लिया है और जिंजर का पेस्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। अगर आप चाहे तो ज़ीरे को ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता उसके है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें नमक डाल सकते हैं। और अगर आप चाहे तो जो व्रत में नमक यूज़ होता है, सौंधा नमक बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको स्किप करके मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही जो नमक है वो यूज़ करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है। मूंगफली को आपको बिल्कुल दरदरा पीस लेना है, बारीक उसको नहीं पीसना है। उससे आपके जो बड़े आप बनाएंगे तो उसमें क्रंची सा थोड़ा सा टेस्ट आता है, इसलिए आपको उसको दरदरा ही रखना है। फिर मैंने यहाँ पर अपने हाथों की हेल्प से एक डो रेडी कर लिया था वड़े का। देखिए यहाँ पर जो डो मैं रेडी कर रही हूँ वो बिल्कुल ड्राई है। ये डो आपको बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपके जो वड़े हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आपका डो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर मेरा डो रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने अपने हाथों की हेल्प से, मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया था, हल्का सा गीला आपको हाथों पे रखना है, अदरवाइज़ जो आपका डो है वो आपके हाथों में ही चिपक जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा अपने हाथों को गीला करके इस तरीके से वड़ों को शेप दिया है। मैंने यहाँ पर टिक्की का शेप दिया है, अगर आप चाहे तो वड़े का शेप भी दे सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा इसको शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और व्रत के लिए, जिनका जो 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसके लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। उस पर आप बना करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो स्किप किया है क्योंकि मेरी बेटी को मिर्चा कम पसंद है, वो मिर्चा कम ही खाती है, तो मैंने यहाँ पर मिर्चा, हरी मिर्चा ही डाली है, वो भी बहुत ही कम मैंने यहाँ पर डाली है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो उसकी क्वान्टिटी जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी उसको मैंने जो साबुदाना भिगाया था उसके ऊपर इस तरीके से एक कोट, एक लेयरिंग मैंने कर दी थी। इससे थोड़ा सा और वो क्रिस्पी हो जाते हैं और दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो ये स्टेप जो है आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। बट मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से दोनों तरफ से एक लेयरिंग, एक कोट मैंने दे दिया था, जिससे इसका कलर जो है अच्छा आता है और दिखने में भी ये अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको डिप करके मैंने इनको सेलो फ्राई कर दिया था। ऑयल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही यूज़ करा है, डीप फ्राई मैंने इनको नहीं करा है। अगर आप इनको व्रत के लिए बना रहे हैं, ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो एयर फ्राई भी आप इनको कर सकते हैं, अगर आपके पास एयर फ्राई है। मेरे पास एयर फ्राई नहीं था तो मैंने इनको सेलो फ्राई ही करा था। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल कम ऑयल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, पर आपका पैन जो है वो नॉनस्टिक होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके पैन में ही चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इनको सेलो फ्राई करके यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसे फ्लिप कर लिया था, पलट लिया था, दोनों तरफ से मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था, क्रिस्पी होने तक। लो मीडियम में मैंने इसको बिल्कुल फ्राई किया है, फ्लेम में, गैस में, तो लो में ही आपको इसको रखना है, हाई फ्लेम में इसको फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो एकदम जल जाएगी और अंदर से वो पकेगी नहीं, कच्ची रहेगी। और बाहर से तो वो पक जाएगी बट अंदर से वो कच्ची रहेगी। अगर लो फ्लेम में आप इसको फ्राई करेंगे तो वो अंदर से भी क्रिस्पी बनेगी, जैसा कि आपको इसको दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसको निकाल करके
तो आपकी जो ये साबुदाने के वड़े हैं बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ। अगर आप कोकोनट चटनी बनाते हैं तो इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट चटनी बनाई थी तो उसके साथ इसको सर्व किया था, तो मेरी बेटी को तो ये वड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट